हम लोगों की भी शादी वादी करी माँ बाप ने, लेकिन उन लोगों ने फिर गैस का सुन के और तबीयत खराब होने के कारण तो हम लोगों को ज्यादा झेला नहीं, तब से हम माँ बाप के पास ही हैं। जिस रात गैस निकली थी उस रात हम लोग खाना वाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे, तो एकदम से चिल्ला चोट होने लगी और हमारे घर में भी सब लोगों को तकलीफ होने लगी। तो सारे लोगों ने बाहर निकल कर देखा, भगदड़ मच रही थी, सब लोगों को तकलीफ हो रही थी, भागने लगे इधर उधर। तो हम लोगों ने भी भागना शुरू कर दिया, मेरे घर में 8 लोग थे उस टाइम, तो सारे लोग भागते गए। फिर उसके बाद है ना, सुबह हम लोग थोड़ा मॉर्निंग में आके देखा तो, और उसके बाद काफ़ी लोग ख़त्म होते गए तो सब घबरा गए थे उस टाइम, किसी को मतलब समझ में नहीं आ रही था कि इस टाइम क्या करना चाहिए। और उस वक्त से लेके अभी तक हम लोग बीमारियों से ही जूझ रहे हैं। शादी के बाद हमारा तबीयत खराब होने लगा तो उन लोगों ने ये बोल के कह दिया कि तुम इनको घर ले जाओ, वहाँ आपके गैस कांड के हॉस्पिटल है, वहीं इलाज होगा। तो उसके बाद मम्मी पापा घर लेके आए, तो फिर उन लोगों ने ले जाने का करा नहीं हमको। और उसके बाद मेरे पापा की भी तबीयत खराब हुई तो उनकी भी नौकरी छूट गई। और मजदूरी बनती नहीं किसी से, थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो उससे घर का चल नहीं पाता। और बीमारियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि प्राइवेट इलाजों से ही थोड़ा आराम लगता है, सरकारी में पूरी दवाई मिलती नहीं है। काफ़ी लोग मतलब उस समय से बेरोजगारी में झेल रहे हैं।